अहिल्या समझ गई धनेश्वर का इशारा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। अहिल्या मिलने जाती है धनेश्वर को जेल में, क्योंकि उसकी आत्मा उसको एलो नहीं कर रही है कि ये गुनेगार है, ये निर्दोष है, ये उसको बार बार उसके अंदर की आवाज बोल रही है। इसलिए वो आखिरी कोशिश करने धनेश्वर के पास जाती है, उसको मनाने की कोशिश करती है कि उसने गुनाह नहीं किया है, मगर वो ऐसा बंदा है जो टस से मस नहीं होता है। यहाँ पे दो चीजें थी जो अहिल्या करने आई थी, उन दो चीजों के बारे में बात करते हैं, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब अहिल्या धनेश्वर से बात कर रही है, और ऐसे जो माहौल होते हैं, ऐसे जब बात होती है, जब एक इंसान पूरी तरह से पक्का होके बैठा है कि मैं हिलूंगा नहीं अपनी बात से, मुझे ये करना ही करना है, गुनाह अपने ऊपर लेना ही लेना है, तब दूसरे बंदे के लिए थोड़ा कठिन होता है उसको मनाना, जो अहिल्या के लिए था। मगर वहां पे एक चीज हमेशा जो कोशिश करने वाले होते हैं वो रखते हैं कि दिमाग को खुला रखते हैं कि कोई भी क्लू इसकी बातों से मिलेगा, क्योंकि ये देगा क्लू, है तो ये इंसान है, तो ये प्यार करने वाला बंदा, ये कोई क्लू तो देगा, उसी क्लू से मुझे पता चलेगा कि ये असली मामला क्या है। तो यही चीज के बारे में बात की अहिल्या ने, और मेरे मन की बात कह दी जो मुझे लग रहा था कि ये कहनी चाहिए, और वो ये बात थी कि खुद को फांसी पे चढ़ा के तुम जिसको बचा रहे हो वो आगे और लोगों की हत्या करेगा, तो वो कोई बड़ा काम नहीं कर रहे हो, तुम अपने परिवार को बचा रहे हो, किसको बचा रहे हो, मगर कितने लोगों की जान को जोखिम में डाल रहे हो। तो इससे भी वो टस से मस नहीं हुआ, थोड़ा फर्क उसको पड़ता हुआ दिख रहा था। और ये पहला काम था कि अहिल्या ने उसके मुंह से ये तो कहलवा दिया कि धनेश्वर के मरने से किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। धनेश्वर मतलब एक कहने का मतलब जो अहिल्या ने समझा तो कुजी को बाद में बताया, वो साफ था धनेश्वर की तरफ से इशारा कि ये उसकी असली आइडेंटिटी नहीं है, क्योंकि ये आइडेंटिटी मिट जाएगी तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि धनेश्वर नाम का कोई इंसान है ही नहीं। तो ये अहिल्या ने समझा, क्योंकि यही वो इशारा कर सकता था धनेश्वर। और दूसरी चीज थी उसके पहचान बताना, जो सारजा को उसने बाहर बिठाया हुआ था कि तुम देखो और पहचानो कि ये बंदे को तुमने कभी देखा है कहीं। तो ये दो चीजों का एजेंडा लेके वो धनेश्वर से मिलने गई थी अहिल्या, जिसमें वो पूरी तरह से कामयाब हुई या नहीं ये तो हमने देखा, मगर कहीं ना कहीं उसको एक कामयाबी मिली कि धनेश्वर निर्दोष है, ये तो उसको शुरू से पता है, मगर धनेश्वर खुद नहीं चाहता है कि वो अपनी आइडेंटिटी सबके सामने लाए, वो धनेश्वर की ही आइडेंटिटी के साथ मरना चाहता है, क्योंकि उसको पता है धनेश्वर के मरने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये इशारा समझा है अहिल्या ने, और इसीलिए उसने बात को आगे बढ़ाया है और तुक्कू जी को भेजा जाके पूरी तरह से पता करे। तो ये बहुत अच्छी चीज है दोस्तों, इसी तरह से जब लोगों से बात करनी हो तो इसी तरह से हम बात कर सकते हैं, क्योंकि जब हमें पता हो ये सामने वाला किसी मजबूरी में किसी चीज को कर रहा है तो हमें उसके साथ पोलाइटली कंपैशनेट होके बात करनी चाहिए, ना कि उसके ऊपर डंडा लेके बैठ जाए कि बोल सच क्या है, बोल सच क्या है, तो ऐसा वर्कआउट नहीं होता है। कहीं ना कहीं इंसान प्यार से ही टूटता है, इमोशन से ही टूटता है। क्या कहते हो आप, कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स, थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.